हिंदू औरत से कहें आप सिंदूर ना लगाइए, क्योंकि औरतें जो हैं वो अपना सर कवर करती हैं, चाहे वो हिंदू हो, आपने देखा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो। हाँ, हम लोग का हिजाब है, इस्लाम में है, हम लोग का पहनना है। तो सब अपने धर्म का करते हैं तो हम लोग भी अपने धर्म का करते हैं, हिजाब लगाते हैं, हिजाब में उनको क्या दिक्कत है? अगर हम लोगों से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस्लाम को लेके, तो हमारे लिए अलग यूनिवर्सिटी बनवा दें, हम उसमें पढ़ लेंगे। उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद की सुनवाई पिछले महीने पूरी कर ली थी। इस मामले की सुनवाई पूर्ण पीठ ने की थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल हैं। तीन जजों की पीठ ने आज इस पर फैसला दे दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, ऐसे में राज्य में हिजाब पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने इसके पक्ष में सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान तीन सवालों के जवाब दिए। हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, इस फैसले को आप कैसे देखेंगे? देखिए, हम आपसे ये कहना चाहेंगे बस कि किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पे ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिजाब का मसला है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो धर्म हमारा है वो हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या ज़रूरी है हमारे यहाँ पहनना, क्या ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ हिंदू कास्ट में भी जैसे औरतें जो हैं शादी होने के बाद पूरा कवर करती हैं साड़ी से अपने को, तो हम उनको नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों कर रही हो, इसको उतार दो तुम। तो वैसे ही आप किसी भी और मज़हब में किसी को कह नहीं सकते कि आप हिजाब ना करिए, या हम हिंदू औरत से कहें आप सिंदूर ना लगाइए, क्योंकि औरतें जो हैं वो अपना सर कवर करती हैं, चाहे वो हिंदू हो, आपने देखा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, इसमें वो कंफर्टेबल तो रहती ही हैंगी क्योंकि कवर रहती हैं औरतें, लेकिन सब अपने धर्म को बस फॉलो करते हैं। तो आप सरकार बस इतनी चलाइए कि धर्म पर मत आइए, आपको धर्म पे आने की ज़रूरत नहीं है। कि ऐसी बात कहिए कि जो मानी जा सके। हिजाब पे आज तक किसी सरकार ने सवाल नहीं उठाया है, तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि अगर सवाल उठाना है तो आप हिंदू औरतों से भी कहिए कि वो जो हैं अपनी सर पे जो पल्लू ले रही हैं वो हटाना छोड़ दें। जो बड़े बड़े पल्लू घरानों में होते हैं हिंदू औरतों में, हिंदू घराने में, के सर पे पल्लू ले रही हैं वो, तो वो ना करें, वो उसको वो छोड़ दें, वो हटा दें। हटा के बस टी शर्ट और जीन्स पहन के 10 लोगों में बैठें तो फिर आप बात करिए। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, जितनी भी जो भी सरकार आ जाए उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी लड़की को हिजाब करने से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी लड़की को बदन ढाँकने से रोकना नहीं है आपको, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो दुपट्टा हो। मैम, इस्लाम में भी क्या इसका जिक्र है कि हिजाब पहनना अनिवार्य है? जी हाँ, इस्लाम में जिक्र है कि हिजाब पहनना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता तो ये हम सर क्यों कवर किए हुए होते? हम ऐसे भी तो निकल सकते हैं, हम ऐसे भी निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। भाई, हम फिर आपसे कहेंगे कि हर धर्म में है इसकी इम्पोर्टेंस, खासकर स्पेशली वुमेंस के लिए है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सबसे, जितनी भी सरकारें हैं, भले ही हमारी हो या कहीं की भी हो, कि हिजाब पर प्लीज़ प्रोटेस्ट मत करें। जैसे कि मैं आज MB कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में खड़ी हूँ, मैं जितना हो सके मैनेजर सर, वाचस्पति सर को सिर्फ थैंक यू बोलूँगी कि कभी उन्होंने, कल तक मैंने नहीं भी पहना तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कमेंट किया, आज मैं उसको पहनती हूँ तो भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। भाई, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि अगर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करना चाह रहा है, प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है। बट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे बच्चे सारे एक समान, हम लोग बोलते हैं ना कि सारे बच्चों को एक नज़र से देखना है हमको, तो वहाँ पे तो मैं तो खुद मुस्लिम फैमिली से, मेंबर्स से बोलूँगी कि थोड़ा सी अंडरस्टैंड करके चले। आप बिल्कुल पर्दा करा रहे, घर से पर्दे में लेकर आइए बेटियों को, वहाँ पे जब बेटी क्लास में है तो सब जैसे घुले मिले, उसको भी घुलने मिलने की परमिशन होनी चाहिए। और जहाँ पे इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं, हाँ वो लड़की ही कम्फर्टेबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट को भी चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करके चले। तो दोनों ही तरफ हमको एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कुछ हद तक उनका, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन पास आउट किया है, है ना। रिलीजन आपको फॉलो करना है, आप मेन चीज़, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि अगर मैंने हिजाब पहना है और मैं दिल से ही सही नहीं हूँ तो वो मतलब नहीं बनता है। आज मैं कई लोग को देखती हूँ कि हिजाब पहना है, नकाब पहना है, वो पहनने के लिए पहना है, शो ऑफ के लिए पहना है, बट बाय हार्ट आप कैसे हो, दिल से आप कैसे हो, वो भी ज़रूरी है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। हसीन बानू मैम, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? हम लोग पहनना चाहते हैं, हम लोग पहनेंगे। हाँ क्यों, इस्लाम में क्या इसका जिक्र है कि हिजाब? हाँ, हम लोग का हिजाब है, इस्लाम में है, हम लोग का, हम लोग का पहनना है। किस तरह की सुरक्षाएं मिलती हैं हिजाब से? हम लोग को सब सब तरीके से शिक्षाएँ मिलती हैं हम लोगों को, और क्या। आप क्या कहेंगी जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश? जो मेरी अम्मी ने कहा भाई, हम कहेंगे, हमें थोड़ी उतारना है अपना नकाब, और क्या। भाई हमारे लिए तो ज़रूरी है, हमारे मजहब ने ही बताया है, और भाई इससे हम लोग को बहुत बेनिफिट है, सब तरह से, हर तरह से, और हमारे मजहब में ज़रूरी, इसलिए हम लोग ज़रूरी समझते हैं। नहीं तो जिस तरह से विवाद हुआ था हिजाब को लेकर कि स्कूल में एक महिला हिजाब पहनने गई थी, उससे बवाल मचा था, उसके बाद यह हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ये इस धर्म, मतलब मुस्लिम धर्म में इसकी अनिवार्यता नहीं है, जो लोग अपनी मर्जी से पहन रहे हैं वो पहन रहे हैं। तो सब अपने धर्म का करते हैं, तो हम लोग भी अपने धर्म का करते हैं, हिजाब लगाते हैं, हिजाब में उनको क्या दिक्कत है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों को क्या दिक्कत है? मैम आप क्या कहेंगी हिजाब को लेकर जो चल रहा है कर्नाटक का? ये फालतू के मुद्दे उठाए जा रहे, किसी को कुछ, जब कहते नहीं है, जब कोई अपना कार्य अधूरा रह जाता है किसी का ना, तो कोई और मुद्दा लेके बैठ जाता है, बस ये रहती चीज़। वरना ये देखा जाए तो आप अपना करिए, हमें अपना करने दिए, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कोई चीज़ कि हम आपके ऊपर उंगली उठाएं, आप हमारे ऊपर उठाएं, भाईचारा ही खत्म हो रहा है, आप नकाब के पीछे पड़े, भाईचारा खत्म हो रहा है। क्या इस्लाम में इसका जिक्र है कि हिजाब पहनना जरूरी है? क्यों नहीं है भाई, ये पर्दा है, हिजाब, हिजाब का मतलब पर्दा, हमको पर्दा, भाई एक चॉकलेट क्या है, सड़क पे पड़ी हुई है, उसको क्या देखे, खुली हुई चीज़ कैसी होती है, आप लेंगे खुली हुई चीज़? हमारे में हिजाब बताया गया है और हिजाब पर्दा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग पर्दा करते हैं, हर तरह से पर्दा करते हैं, पर्दे में। अभी कोरोना में इतनी सेफ्टी क्यों करवाई ये बताइए, आप सर से लेकर पैर तक ढक रहे, क्यों ढक रहे थे, ज़रूरी तो नहीं था? बस नकाब को इसी समझ लिया कि बहुत सी बुरी चीज़ों से बचाती है भाई, पोल्यूशन से बचाती है, डस्ट से बचाती है, मतलब बुरे लोगों के देखने के अंदाजों से बचाती है। हम भाई अपना ढके हुए जा रहे हैं, कौन देखता है, कौन देख रहा है, सही बात, कौन देखता है, खुली हुई चीज़ों पे तो सबकी नजर पड़ती है। कोरोना में तो हिजाब, हिजाब का जो है बिल्कुल उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, मास्क क्या है, हिजाब बोल लो या मास्क बोल लो, लेकिन हम लोग तो इसको जो है भाई ज़रूरी है हमारे लिए, बेशक ज़रूरी। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देखती हैं, क्या ये गलत है? अब वो आदेश दे रहे हैं, हम लोग, हम तो वही आदेश को नहीं मानते, जबरदस्ती थोपी जा रही है, आदेश का मतलब कि हर चीज़ जबरदस्ती थोपी जा रही पब्लिक के ऊपर, हिंदू मुसलमान को करना नहीं चाहता, ये सब पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं है। हिंदू लड़के नहीं, तमाम हिंदू लड़के हिजाब लगा के चलती है, आपने खुद देखा होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए क्यों दिक्कत है, सारी सारी दिक्कत मुसलमानों के लिए, हिजाब न लगाओ, हिजाब न लगाओ, मुसलमान का नाम उठा के हर काम किया जाता है, बस हर काम किया जाता है, ये भाई मुद्दा निकाल लेते हैं लोग। मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, बिल्कुल इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इंसानियत खत्म करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू लड़कियां भी हिजाब लगा के आती हैं, बाहर यूं नहीं निकलती हैं लड़कियां हमारे यहाँ।